प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। एक न्यूज़ है मेरे पास आज, और वो है कि राज्यसभा में, संसद में मसीहों के सताव का मुद्दा गूंजा, और ये बात उठाई कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने कहा कि किस प्रकार से ईसाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, और ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चलकर। थोड़ी देर में आप देखिएगा कि किस प्रकार से उन्होंने संसद में इस बात को उठाया और सारी बातें साफ साफ खुलकर कहीं, और ये भी बताया कि क्रिश्चियन लोग शिक्षा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में कितना देश में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा भाव में मसीह लोग लगे हुए हैं, फिर उनको क्यों सताया जा रहा है। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि वो इस ओर संज्ञान लें ताकि आगे को ऐसा ना हो और एक अच्छा संदेश विश्व में जाए। तो ये वीडियो देखिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ये अच्छी खबर, मसीहों के लिए जो अच्छी खबर है, जो कांग्रेस ने उठाई है संसद में, वो सब तक पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको आशीष दे। विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन यहाँ तो सबकी बर्बादी हो रही है, सबकी बर्बादी हो रही है। चर्च टूटे जा रहे हैं और चर्च के बारे में सबका साथ, सबका विकास और क्या सबका प्रयास, क्या हाँ सबका विश्वास और सबका प्रयास, लेकिन यहाँ तो सबकी बर्बादी हो रही है, सबकी बर्बादी हो रही है। चर्च टूटे जा रहे हैं और चर्च के बारे में सभी मौन धारण किए, कोई भी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन समाज है और वो अच्छा काम करते हैं, शिक्षण देते हैं, हेल्थ केयर के काम करते हैं, तो वो लोगों को, और बहुत से लाभार्थी यहाँ हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पहला वोट लगा देते हैं, और ऐसे लोग उसी संस्था में जाके चर्च को तोड़ना, चर्च को यह करना, ये आपका और वो भी यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन पर, वो 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 31 दिसंबर को ऐसी चीजें इस देश में हुई, ये तो मैं खंडन करता हूं। जो क्रिश्चियन समाज पे आज एक उनको दबाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है, और गलत इल्जाम लगाकर आज उनको जो कह रहे हैं, इसका मैं कंडम करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप खुद इसके बारे में सोचना चाहिए, बुलाइए, बात कीजिए, उनके समस्याओं को सुलझाइए, लेकिन ऐसा अपने चेले चपेटों को भेजते रहेंगे और वो बर्बाद करके वापिस आएंगे, इससे कोई देश का हित नहीं होता, देश के लिए ठीक नहीं।